राजधानी में कोहरे के साथ सर्दी बढ़ी है। 1 जनवरी की रात में पारे में भारी गिरावट नजर आई। अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट तो कई जिलों का पारा अचानक जमाव बिंदु पर पहुंचा। दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है। राजधानी का तापमान 6.7 डिग्री दर्ज हुआ है। डबोक 6 डिग्री, फतेहपुर 1 डिग्री, चूरू 1 डिग्री, सीकर 3.3 डिग्री, भीलवाड़ा 4 डिग्री, अलवर 4.8 डिग्री, पिलानी 4.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 3.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं 21 जिलों का तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। अलवर, करौली, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर जिले में शीतलहर की भी संभावना है। कई ऐसे जिले जहां पर शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। कोहरे के साथ में सर्दी बढ़ गई है। 1 जनवरी की रात में पारे में भारी गिरावट नजर आई, शीतलहर चली और राजधानी में भी ये पारे की गिरावट नजर आई है। अचानक बदले मौसम के मिजाज से दिनचर्या लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों का पारा अचानक जमाव बिंदु पर पहुंच गया है और अगर दिन और रात के तापमान की बात करें तो उसमें भी अब अंतर नजर आ रहा है। राजधानी का पारा तापमान 6.7 डिग्री तो और कई ऐसे जिले जहां पर 1 डिग्री तक भी पारा पहुंचा है। चित्तौड़गढ़ 3.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है तो वहीं 21 जिलों का तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। जहां सर्दी का इंतजार हो रहा था, इस बार कहा जा रहा था कि बहुत सर्दी नहीं पड़ रही है, वहीं अब सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की चादर हर जगह नजर आ रही है तो वहीं अगर जिलों की बात करें तो तापमान में भारी गिरावट दिखाई दी है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर 1 डिग्री तक पारा पहुंचा है, जमाव बिंदु तक तापमान पहुंच गया है। वहीं राजधानी की बात करें तो 6.7 डिग्री पारा पहुंचा है और इसी के साथ शीत लहर नजर आ रही है तो सर्दी का मौसम नजर आ रहा है। हालांकि जब धूप निकलती है तो उससे थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है, लेकिन 1 तारीख की बात करें या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय की, शीत लहर का दौर उस वक्त भी जारी था और भारी तापमान गिरावट के साथ लोगों ने ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया है।